हे गाइस, वेलकम बैक टू इंपोर्टेंट लाइफ एडिक्ट होप चैनल। दोस्तों मेरा नाम दिल साथ और आज की इस नई वीडियो में बात करने वाले टाटा आईपीएल के मैच नंबर 26 के बारे में, जो कि फिलहाल खेला जाएगा राजस्थान रॉयल्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में। गाइस, इस मैच में अपनी फैंटेसी टीम किस प्रकार से बनाएंगे, चाहे वो ग्रांड लीग हो या स्मॉल लीग हो। दोस्तों देखिए, किस किस प्लेयर को हम अपनी टीम में लेकर के जा सकते हैं, जो कि इस मैच में हमें लाखों करोड़ों विन करा सकते हैं। जैकपॉट प्लेयर जो रहेंगे, ट्रंप प्लेयर रहेंगे। दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की तरफ से हमें किन किन प्लेयर को अपने टीम में रखना है, और यहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से दोस्तों हमें किन किन प्लेयर्स को रखना है, बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस, पिच कंडीशन, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे हेड कॉर्ड्स, वेन कॉर्ड्स, एंड उसके साथ दोस्तों यहाँ पे पिच रिपोर्ट और प्लेयर बैटल, ये सारी चीजें हम क्लियर करेंगे, जिसके बाद हम एक यूनिक टीम बनाने वाले, जिससे दोस्तों हम अच्छा प्रॉफिट करने वाले। आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ पे बात करेंगे टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करेंगे। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया अभी तक मेरे भाई, तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है लेटेस्ट अपडेट हो जाते हैं जो कि मेरे दोस्तों यहीं पर आपको मिलते हैं। कैसे ज्वाइन करना है, जिस वीडियो को देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस आइए, यहाँ पे लिंक मिलेगा, किसी भी लिंक पर आप क्लिक कर दीजिए, तो कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर रखा है। एंड दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोफाइल देखना है, ज्वाइन कर लीजिए, फ्री टीम, नो प्राइम, कोई प्राइम दोस्तों नहीं लेता, फ्री में टीम आपको मिलती है, और मेरे नाम से कोई पैसे मांगता है गाइस तो बिल्कुल भी आपको नहीं देना, क्योंकि दोस्तों आपको पता है लगातार हम प्रॉफिट में रह रहे हैं, अच्छा विन कर रहे हैं बैक टू बैक हर आईपीएल मैच में। तो गाइस क्या हो रहा है कि सारे स्कैमर जो कि मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल बना करके बैठ गए हैं, और उनको पता है कि मेरे नाम से वो पैसे मांगेंगे, भीख मांगे गाइस, तो उनको मिल जाएंगे, ठीक है, तो आपको देने नहीं है। ये तो रियल 11 पे चल रहा है मिगल लेदर बोर्ड, जो कि यहाँ पे फर्स्ट रैंक वाले को मिलने वाला 5 लाख का इनाम दोस्तों, और सेकंड पे यहाँ पे मिलने वाला ओला S1 प्रो, थर्ड पे दोस्तों आपको मिलेगा iPhone 13, फोर्थ पे दोस्तों आपको 50,000 का प्राइस, एंड यहाँ पे सारे प्राइस दोस्तों आप चेक कर सकते हैं। तो फटाफट रियल 11 को डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में लिंक मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, जो कि दोस्तों यहाँ पे 31 मार्च से 28 मई तक दोस्तों मेगा लेदर बोर्ड जो है रहने वाला, तो फटाफट डाउनलोड करिए और इन्वेस्ट करिए मेगा लेदर बोर्ड पर। प्ले विद चैंपियन एंड विन डबल कैश, रियल 11 आपको मौका दे रहा है चैंपियन के साथ खेलने का। दोस्तों यहाँ पे आप डबल कैश चैंपियन के साथ विन कर सकते हैं। मैच डिटेल्स के बारे में, 26 मैच जो कि होगा आईपीएल का 19 अप्रैल इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग 7:23 शाम टाइम खेला जाएगा, और जो कि दोस्तों वेन्यू रहने वाला सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में पड़ता है, और 2023 का इस सीजन का दोस्तों पहला आईपीएल मैच होगा इस ग्राउंड पर। पिच की कंडीशन क्या रहेगी, इस पिच के हिसाब से यहाँ पे बिहेवियर रहने वाला है बॉलर्स के अगेंस्ट में, वो दोस्तों देखेंगे बॉलर्स या बैट्समैन कौन बेस्ट करेगा, वो दोस्तों हम समझने और जानने वाले। उससे पहले बात करते हैं यहाँ पे हेट्रिक रिकॉर्ड्स की, दोनों टीम के बीच में अभी तक आईपीएल के दोस्तों 2 मैच खेले गए, जिसमें कि राजस्थान रॉयल्स ने 2 के 2 मैच विन कर लिए, लखनऊ सुपर जायंट्स के दोस्तों अभी तक एक भी मैच की विनिंग नहीं मिली। आपको लग रहा है कौन सी टीम यहाँ पे इस मैच को विन कर सकती है, अपना प्रेडिक्शन दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी मुझे तो लग रहा है दोस्तों यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स इस मैच को विन कर सकती है। बट दोस्तों बात करते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर राजस्थान में ये मैच होने वाला है। एंड अगर बात करें स्टेडियम किस प्रकार से हो सकता है, पिच रिपोर्ट कैसी हो सकती है, देखिए लास्ट 5 मैच अगर हम यहाँ पे कवर करते हैं, जो कि बॉलिंग के लिए गए 28 विकेट पेसर को मिले हुए, जिसमें कि फर्स्ट इनिंग में 20 और सेकंड में दोस्तों 8, तो पेसर को एडवांटेज कहाँ है फर्स्ट इनिंग में। स्पिनर को टोटल 5 मैच में दोस्तों 18 विकेट मिले, जिसमें कि फर्स्ट इनिंग में 8 विकेट और सेकंड इनिंग में दोस्तों 10, तो कहीं ना कहीं बॉलर्स को भी हेल्प है, बट उतना ज्यादा एडवांटेज नहीं है मेरे भाई। तो ये स्कोरिंग पिच हो सकती है, हाई स्कोरिंग पिच, मतलब यहाँ पे अच्छा स्कोर भी दोस्तों आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो लास्ट 5 मैच अगर हम यहाँ पे देखते गए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, समझ सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें लास्ट जो कि मैच हुआ आईपीएल का, यहाँ पे सनराइजर हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच में, जिसमें कि सनराइजर हैदराबाद पहले बैटिंग करते हुए 160 बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पे, और 161 जो है राजस्थान रॉयल्स ने बना करके मैच को विन कर लिया था। गाइस यहाँ पे समझ सकते हैं 161 अगर बनता है 170 बनता है तो वो भी चेस हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट इनिंग अगर हम देखते हैं गाइस यहाँ पे 191 बना, तो फिर उसके बाद 193 दिल्ली कैपिटल ने बनाया राजस्थान के अगेंस्ट में इसी ग्राउंड पर, और मैच को विन किया। उसके बाद यहाँ पे मुंबई इंडियंस ने 161 बनाया, फिर राजस्थान रॉयल्स ने 162 बना करके मैच को विन कर लिया गया, फिर यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स ने 151 बनाया, सीएसके ने दोस्तों यहाँ पे 156 बना करके मैच को विन कर लिया, फिर दोस्तों जो कि 5वां मैच यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स ने 147 बनाया और 140 बना करके दोस्तों केकेआर ने मैच को विन कर लिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चेसिंग दोस्तों आसानी से हो जाती है, यहाँ पे देख ही सकते हैं 191 तक चेस हुआ गाइस, तो ये पिच हाई स्कोरिंग भी हो सकती है, और जो टीम यहाँ पे दोस्तों चेस करेगी उसके लिए काफी अच्छा एडवांटेज आएगा विनिंग का दोस्तों, तो आप उस हिसाब से भी टीम को बना सकते हैं। बाकी दोस्तों आपका भाई है ये टीम बनाने के लिए, उससे पहले हम प्लेयर का स्टेट जान लेते हैं। एंड अगेन बात करते गाइस यहाँ पे वेन्यू के जो कि व्यू के बारे में देख लीजिए, किस हिसाब से स्टेडियम रहने वाला है ये समझ लीजिए गाइस। एंड अगेन बात करते हैं टीम न्यूज के बारे में, तो टीम न्यूज उतना ज्यादा इंपोर्टेंट है नहीं गाइस, जहां तक मुझे लग रहा है लखनऊ सुपर जायंट्स में फिर से आपको क्विंटन डिकॉक जो है देखने को नहीं मिलेंगे, एंड अपडेट दोस्तों और जो आएंगे वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में दोनों टीम के, कि किस बॉलर्स को यहाँ पे स्टार्टिंग का ओवर मिलता है और किसको पावर प्ले, और दोस्तों किसका जो है डेथ ओवर में बॉलिंग कराने का मौका मिल जाता है, और बैट्समैन जो दोस्तों यहाँ पे कैसे बैटिंग करते हैं, किस नंबर पर बैटिंग करने आते हैं, वो भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट जो कि ट्रिक्स हो जाती है गाइस, अगर आपको पता होता है तो आप सिलेक्शन आसानी से कर लेते हैं गाइस।
स्क्रीनशॉट भी आप गाइस ले सकते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ इसके, क्योंकि आप जो है टॉस के बाद भी अपने टीम को मैनेज कर सकते हैं। बाकी अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते गए तो कोई दिक्कत होती ही नहीं। राजस्थान रॉयल्स की बात करते हैं, जॉर्ज पटेल राइट हैंड बैट्समैन विकेट कीपर है, यशस्वी जायसवाल के साथ दोस्तों ये ओपन कर रहे हैं लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। एंड अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आते हैं संजू सैमसन जो कि टीम के कैप्टन राइट हैंड बैट्समैन एंड विकेट कीपर है। चौथे नंबर पर आपको मिलेगा रियान पराग जो कि राइट हैंड बैट्समैन लेग ब्रेक गूगली स्पिन बॉल्स, बट यार दोस्तों स्पिन नहीं करा रहे। सिमरन हेटमैन लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। मिडिल ऑर्डर पर मिलेंगे ध्रुल जुरेल जो कि राइट हैंड बैट्समैन है। रविचंद्र अश्विन की बात करते हैं, राइट हैंड बैट्समैन प्लस राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिन बॉलर्स हैं। ट्रेंट बोल्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स हैं। एडम जंपा लेग ब्रेक गूगली यानी कि स्पिन बॉलर्स हैं। संदीप शर्मा राइट आर्म मीडियम फास्ट यानी कि पेसर बॉलर्स हैं। युजवेंद्र चहल लेग ब्रेक गूगली बॉलर्स हैं। जहां तक कोई चेंजमेंट प्लेइंग में देखने को नहीं मिलेगा, अगर होता भी है तो टेलीग्राम चैनल दोस्तों आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। स्टार्टिंग की जो दोस्तों यहां पर करा सकते हैं बोल्ट एंड संदीप शर्मा, पावर प्ले में बोल्ट एंड अश्विन आपको मिल सकते हैं। डेथ ओवर में दोस्तों संदीप शर्मा एंड एडम जंपा आपको दोस्तों जो है मिल सकते हैं, ये ध्यान आपको देना है। ठीक है दोस्तों, और जो अपडेट रहेगा जैसे कि युजवेंद्र चहल हो गए या आपको फिलहाल बीच की ओर कराने मिलेंगे, जैसे 18वां हो गया 19वां हो गया 10 के बाद ही आपको मिलते हैं। ठीक है, लखनऊ सुपर जेंट्स की बात करते हैं, प्रबल प्लेइंग उनके बारे में केएल राहुल और कैली मेयर्स दोस्तों ये ओपन कर रहे हैं। केएल राहुल राइट हैंड बैट्समैन विकेट कीपर एंड कैप्टन भी है टीम के। कैली मेयर्स लेफ्ट हैंड बैट्समैन है एंड उसको दीपक हुडा राइट हैंड बैट्समैन है। कुणाल पांडे लेफ्ट हैंड बैट्समैन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलर्स भी है। निकोलस पूरन लेफ्ट हैंड बैट्समैन एंड विकेट कीपर है। मकर स्टॉइनिस राइट हैंड बैट्समैन राइट मीडियम फास्ट यानी कि पेसर बॉलर दोस्तों। ठीक है, बट यार स्पिन नहीं करा रहे हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे आयुष बदोनी आपको मिल जाते हैं राइट हैंड बैट्समैन राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिन बॉलर्स दोस्तों, ये भी स्पिन नहीं करा रहे हैं। बाकी बैटिंग करने गए जितने बैटिंग करने आते हैं माकूर राइट हैंड बैट्समैन राइट आर्म फास्ट बॉलर्स हैं। एंड दोस्तों अगर आवेश खान की बात करते राइट मीडियम फास्ट बॉलर्स यानी कि पेसर हैं। युधवीर सिंह दोस्तों जो है राइट मीडियम फास्ट बॉलर्स है, रिसेंट अच्छी विकेट लेकर के आ रहे हैं। अब बात करते हैं जो कि इस टीम के ओपनिंग की ओर कराते हैं स्टार्टिंग के मतलब कि दोस्तों युधवीर सिंह और आवेश खान। ठीक है, पावर प्ले में दोस्तों आपको मिलेंगे युधवीर सिंह और यहाँ पे माकूड। ठीक है, आदित्य के ओवर दोस्तों आपको मिलेंगे माकूड एंड यहाँ पे रवि बिश्नोई गाइस। ठीक है, जो कि रवि बिश्नोई लेग ब्रेक गूगली स्पिन बॉलर्स है। अब आपको पता होगा यार कुणाल पांडे कहाँ स्पिल कराएंगे, ये भी दोस्तों स्पिनर है, ये दोस्तों आपको स्पिल जो है बीच में कराते हुए नजर आ सकते हैं। दोनों टीम के विकेट कीपर सेक्शन से हम बात करेंगे। राजस्थान रॉयल्स से आपको मिला है जॉर्ज पटेल संजू सैमसन। जॉर्ज पटेल की बात करते हैं, रिसेंट देख रहे तो एक मैच इनका फ्लॉप गया, बाकी दोस्तों कई सालों बाद ये फ्लॉप हुए हैं जीरो पे। ठीक है, आउट हुए हैं, आपको पता होगा इनका रिकॉर्ड। बाकी दोस्तों सभी मैचेस में कंसिस्टेंट बैटिंग करके आ रहे हैं। अगर हम बात करें लखनऊ के गेस में दोस्तों इनका एक बार फिर से बल्ला नहीं चलता, दो मैच दोस्तों 15 रन है एंड 7 करोड़ से बैटिंग कर रहे हैं। इस ग्राउंड पे कंसिस्टेंट रहते हैं, 10 मैच दोस्तों जो है 434 रन बनाए, 43 करोड़ से बैटिंग कर रहे हैं। ग्राउंड बढ़िया है दोस्तों इनके लिए, बट जो अगर हम बात करें टीम के गेस में अच्छी हेल्प नहीं मिल रही, जैसे कि रिसेंट मैंने बताया था कहीं ना कहीं रिस्की हो सकते हैं। विराट कोहली को दोस्तों बताया था, उसमें भी आपने देखा है, तो मुझे जहां तक लग रहा है फिर से एक रिस्की प्लेयर्स हो सकते हैं। टीम में लेकर के जाइए गाइस, बट उतना भरोसा मत करिए कैप्टन वाइज कैप्टन पिक करें। अगर आपको रिस्क लेना पसंद है दोस्तों तो आप कर भी सकते हैं, तो टीम में आप लेकर इनको जा सकते हैं। संजू सैमसन की बात करें गाइस, इनको मैंने कहा था चेसिंग इनका बढ़िया रहता है, फर्स्ट इनिंग में कुछ खास बैटिंग इनकी देखने को नहीं मिलती है। अगर हम बात करें लखनऊ के गेस में, दो मैच है इनके जिसमें कि 45 रन 22 करोड़ से बैटिंग करें। इस ग्राउंड पे 17 मैच खेले हैं जिसमें कि 398 रन बनाए, 23 करोड़ से बैटिंग करें गाइस। संजू सैमसन फिर से एक इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं दोस्तों, इनको टीम में आप लेकर जा सकते हैं। बाकी यहाँ पे देख रहे हैं ये दो मैच आउट ऑफ फॉर्म दिखे हैं, बाकी स्टार्टिंग के मैच दोस्तों इन्होंने अच्छी खासी बैटिंग जो है करके दी है। अगर हम बात करें लखनऊ के विकेट कीपर सेक्शन से दोस्तों जो प्लेयर मिल रहे हैं निकोलस पूरन, जो कि ये भी काफी कंसिस्टेंट बैटिंग करके आ रहे हैं। एंड अगर हम बात करें लास्ट मैच दोस्तों ये भी फ्लॉप हुए हैं 0 पे आउट। बाकी बात करें राजस्थान के गेस में दोस्तों, 7 मैच इनके 96 रन है, 13 करोड़ से बैटिंग करते हैं, तो राजस्थान के गेस में दोस्तों कहीं ना कहीं ये भी फ्लॉप हो रहे हैं। एंड उसके बाद अगर हम बात करें वेन्यू पे, तो एक मैच दोस्तों जिसमें 12 रन, तो कहीं ना कहीं निकोलस पूरन पे फिर कम भरोसा करेंगे क्योंकि ये भी विकेट कीपर सेक्शन से मिल रहे हैं। तो अगर यहाँ पे 3 प्लेयर को लेकर जाएंगे तो फिर हमें बैटिंग सेक्शन से कुछ सिलेक्शन कम करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी अगर आप अदर फंडेस एप्लीकेशन पर खेलते हैं तो फिर वहाँ पे दोस्तों कई कई ऑप्शन भी रहते हैं। तो जहां तक सभी टीमें हम इन तीनों प्लेयर को लेकर के नहीं जाएंगे, क्लियरली मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे निकोलस पूरन और जॉर्ज पटेल भी कहीं ना कहीं थोड़ा रिस्की हो सकते हैं। एंड अगेन बात करते हैं यहाँ पे बैटिंग सेक्शन जो कि मिल रहा है दोनों टीम का, तो फिलहाल यहाँ पे आपको मिलेंगे राजस्थान की तरफ से दोस्तों जो है यशस्वी जायसवाल, सिमरन हेटमैन और ध्रुल जुरेल। बात करेंगे यहाँ पे सिलेक्शन किस प्रकार से जो कि हम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें राजस्थान के बैटिंग सेक्शन से, यशस्वी जायसवाल जो कि दिखते हैं यहाँ पे अच्छी बैटिंग करके आ रहे हैं यहाँ पे दोस्तों बनाए, बट यहाँ पे मैंने कहा था इनको चेसिंग में दोस्तों आप मत रखिएगा, क्योंकि चेसिंग इनका रिकॉर्ड खराब रहता है जब ये चेस करते हैं तो ज्यादातर दोस्तों फ्लॉप हुए हैं। बाकी लखनऊ के गेस में अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, 1 मैच 41 रन है। इस ग्राउंड पर दोस्तों इनका पहला ही मैच होगा, टीम में लेकर के जाना है दोस्तों, तो आप फर्स्ट इनिंग में बैटिंग कर रहे हैं तो मुश्किल हो लेकर के जाएगा, बट चेसिंग इनका खराब होता है, फर्स्ट इनिंग में आप रख लीजिएगा। एंड सिमरन हेटमैन की बात करते हैं, ये देखिए सभी मैचेस में भाई कंसिस्टेंट बैटिंग कर रहा है, यहाँ पे देखिए 22, 36, 39, 30 और 56 दोस्तों अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको तो लेकर के चलना ही चलना है दोस्तों, ये जो है लखनऊ के गेस में बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं, 1 मैच 59 रन है, बट दोस्तों ग्राउंड पर 1 मैच में ओनली 1 ही रन है गाइस। बट दोस्तों आपको बता दूं कि थोड़ा सा नीचे बैटिंग करने आते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से इनके पास एडवांटेज रहता है बैटिंग करने का, मेरे भाई इनको आप लेकर के जाइएगा। बट जायसवाल को ध्यान रखना है चेसिंग में नहीं, फर्स्ट इनिंग में आप इनको ट्राई करेगा। एंड उसको
जरूर की बात करते हैं गाइस। देखिए नीचे बैटिंग करने आते हैं डेथ में, सभी टीमें दोस्तों लेकर के जाने की जरूरत नहीं है, बट जहां तक जो इनका मतलब कि हेड रिकॉर्ड्स अगेंस्ट में दोस्तों जोश बटलर का परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग उनको ड्रॉप करने के लिए सोच रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, तो तब आप इनको ट्राई करेगा। बाकी हेड रिकॉर्ड्स विनिंग रिकॉर्ड्स दोस्तों एक भी मैच नहीं है। ओके गाइस, एंड बात करें टीम सिलेक्शन की, तो अभी के लिए फिलहाल आप ड्रॉप आउट करके जा सकते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के जो आपको बैटिंग से प्लेयर मिल रहा है केएल राहुल, जो कि रीसेंट फॉर्म अगर देख रहे हैं तो कंसिस्टेंट है, मतलब कि ठीक ठाक है जो है फिलहाल बैटिंग करके आ रहे हैं। एंड लास्ट वाले में दोस्तों अच्छा कॉमबैक देखने को मिला है। बाकी हम बात कर रहे हैं राजस्थान के केस में दोस्तों बहुत ही अच्छी बैटिंग करके आ रहे हैं मेरे भाई, मतलब ताबड़तोड़ बैटिंग देख सकते हैं यहाँ पे 13 मैच में 540 रन 41 ओवर से बैटिंग करें। इस ग्राउंड पे दोस्तों बहुत ज़्यादा एडवांटेज है इनको, 2 मैच में 99 रन है और दोस्तों 49 ओवर से बैटिंग कर रहे हैं मेरे भाई, तो कहीं ना कहीं बहुत ही गजब की बैटिंग देखने को आपको मिल सकती है यहाँ पे फिर से केएल राहुल के द्वारा। तो मेरे भाई इनको आप फिर से कैप्टन की पिक लेकर के जा सकते हैं, ठीक है, दोनों तरफ से आप लेकर के जा सकते हैं, चाहे वो फर्स्ट इनिंग हो चाहे दोस्तों वो सेकंड इनिंग हो। दीपक हुड्डा की बात करते हैं, देखिए रिसेंट अगर आप देख रहे हैं तो इस सीजन में दोस्तों इनका कमबैक अभी तक हो नहीं पाया, लगातार दोस्तों ये फ्लॉप रहे हैं हर मैच में। एंड अगर बात करें राजस्थान के केस में 7 मैच है इनके जिसमें 49 रन है 21 के उससे बैटिंग कर रहे हैं, तो बढ़िया एडवांटेज है, बट दोस्तों ग्राउंड पे 1 मैच है इनका जिसमें कि फ्लॉप है तो 0 रन। बट अगर देखना निकोलस पूरन का जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड से उनको ड्रॉप कर रहे हैं, तो फिर दीपक हुड्डा एक अच्छी पिक ट्रंप रह सकते हैं इस मैच के लिए, क्योंकि दोस्तों मुझे जहां तक लग रहा है ये बंदा इस मैच में मारेगा, ठीक है, मुझे जहां तक लग रहा है 20 से 25 रन आपको प्रोवाइड करेगा और ड्रीम टीम में दोस्तों जरूर आएगा। एंड उसके बाद बात करते हैं आयुष भदौनी की, रिसेंट दोस्तों देखिए ठीक ठाक ये बैटिंग करके आ रहे हैं जो खेल करके बड़ी यहाँ पे लास्ट वाला मैच दोस्तों आईपीएल का खेला जिसमें कि फ्लॉप है। बाकी अगर हम देखते हैं राजस्थान के केस में 2 मैच जिसमें दोस्तों 5 ही रन है फ्लॉप है पूरी तरीके से और ग्राउंड पे 1 भी मैच इनका नहीं, तो आयुष भदौनी को भी अभी समय टीम में लेकर के नहीं चलना है। एंड अगेन बात करते हैं जो हमें मिल रहा है ऑलराउंडर सेक्शन से प्लेयर दोनों टीम में, किन किन प्लेयर को अपनी टीम में जो है लेकर के जा सकते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे रियान पराग जो कि राजस्थान की तरफ से मिल रहा है आपको ऑलराउंडर सेक्शन में और रविचंद अश्विन। दोस्तों रियान पराग की अगर हम बात करते हैं तो फिलहाल रिसेंट आप देख रहे हैं तो ये लगातार फ्लॉप रहे हैं और दोस्तों इनका बैटिंग ऑर्डर भी बहुत नीचे है, उस हिसाब से दोस्तों इनको कुछ है और ठीक ठाक परफॉर्मेंस जो है देखने को नहीं मिल रहा है इनके बल्ले से। एंड अगर हम बात करें फिलहाल लखनऊ के केस में 2 मैच इनके जिसमें कि 27 रन 13 के ओवर से बैटिंग करें, इस ग्राउंड पर टोटल 4 मैच इन्होंने खेले 63 रन बनाए 15 के ओवर से बैटिंग करें, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इनको ड्रॉप कर सकते हैं आप। रविचंद्र अश्विन देखिए इस पेल के 4 ओवर कराते हैं स्पिनर हैं और स्पिनर के लिए दोस्तों यहाँ पे हेल्प है दोनों तरफ से। बाकी रिसेंट अगर आप देखने गए तो स्टार्टिंग के मैच में दोस्तों इन्होंने कंसिस्टेंट बॉलिंग कराई, विकेट भी इनको मिली, बाकी लास्ट मैच अगर हम दोस्तों देख रहे हैं तो कुछ खास ये जो है रहे नहीं दोस्तों, ठीक है, जहां तक मुझे लग रहा है रिसेंट मैंने परफॉर्मेंस दोनों टीम का बताया गया तो वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है, शायद टीमें 4 से नहीं 5-5 मैच खेल करके जा रही, आपको क्या लग रहा है तो कमेंट जरूर करें, बट कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ठीक है। एंड अगर बात करें इनके जो पहले लखनऊ के केस में परफॉर्मेंस है 2 मैच इनके जिसमें कि 38 रन बनाए 19 के उसे बैटिंग करें और 2 मैच दोस्तों जो है 1 ही विकेट इनको मिले, तो कहीं ना कहीं फिर से ये रिस्की हो सकते हैं हेड कॉर्ड्स के अकॉर्डिंग। बाकी वे ने भी दोस्तों कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं, 5 में 4 ही विकेट है, तो चांसेस रहेंगे विकेट लेने के बट कन्फर्म नहीं रहेगा दोस्तों कि इनको 2 विकेट मिले, 1 विकेट मिल गया और मैं नहीं मिली दोस्तों मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों जो एडवांटेज रहेगी हाई स्कोरिंग पिच ये आप समझ सकते हैं। लखनऊ की तरफ से जो आपको ऑलराउंडर सेक्शन से प्लेयर मिले कैलिमेस जो कि ये ओपनिंग करते गए आपको पता है, रिसेंट देखिए फिर से एक फॉर्म आया था इनका 29 वाला, बाकी यहाँ पे अच्छी बैटिंग करके आ रहा है, 2 मैच में फ्लॉप हुए हैं, बाकी ठीक ठाक है दोस्तों आईपीएल में जो है बैटिंग करी है। हेड रिकॉर्ड्स मेन रिकॉर्ड दोस्तों 1 मैच नहीं, बढ़िया हाई स्कोरिंग वेन्यू है, ठीक ठाक बैटिंग हो रही, चेसिंग अगर यहाँ पे लखनऊ करती गई तो फिर इनको तो आया टीम में आप लेकर जाइए, कैप्टन वाइस कैप्टन की पिक भी कर सकते हैं केएल राहुल के साथ, दोनों का कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं, ठीक है, अगर ये टीम चेस करते हैं लखनऊ अदर फर्स्ट इनिंग बैटिंग करते हैं तो केएल राहुल तो कैप्टन रहेंगे उनके साथ दोस्तों, जो आप 5 करोड़ को भी लेकर जा सकते हैं क्योंकि फिलहाल पेसर है एडवांटेज भी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, बाकी इनको भी ट्राई कर सकते हैं। कुणाल पांडे की बात करते हैं, रिसेंट देखिए बॉलिंग और बैटिंग दोनों तरफ से अच्छा फॉर्म दे रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, अदरवाइज फ्लॉप हुए, बाकी ठीक ठाक अभी यहाँ पे रन भी बना रहे हैं और बॉलिंग दोस्तों कर रहे हैं, बैटिंग ठीक ठाक नंबर पर मिल जा रही है, तो ये भी एक अच्छी पिक रहेंगे टीम के लिए। बाकी अगर बात करें राजस्थान के केस में 9 मैच है जिसमें कि 113 रन बनाए 12 के से बैटिंग करें, 9 मैच है दोस्तों 4 विकेट है, इस ग्राउंड पे 2 मैच है जिसमें कि 9 रन है और 2 मैच है दोस्तों 1 विकेट मिली हुई है, तो कहीं ना कहीं यार थोड़ा सा ये भी मतलब मुझे रिस्क लग रहे हैं, बट यार बॉलिंग और बैटिंग दोनों मिल रही है, दोनों तरफ से स्पेस है इनके पास, एडवांटेज है, तो यार फिर तो टीम में लेकर के जाना ही पड़ेगा। अभी के लिए दोस्तों यहाँ पे पिक आप समझ सकते हैं कि रविचंद्र अश्विन को लेकर जाना चाहे तो लेकर के जा सकते हैं, बाकी रिस्क हो सकते हैं। मार्कस स्टाइन्स की बात करते हैं, रिसेंट देखिए यहाँ पे अच्छी बैटिंग करके आए और ये हिटिंग बैट्समैन है, तो जहां तक इनको बैटिंग मिलेगा तो फिर आपको यहाँ पे 30 से 35-40 रन इनसे जरूर एक्सेप्ट करिएगा, क्योंकि हिटिंग बैटिंग करते गए और उस हिसाब से यहाँ पे पिच इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी दोस्तों, हाई स्कोरिंग वेन्यू इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। एंड अगर बात करें राजस्थान के केस में 9 मैच इनके जिसमें 187 रन 20 के ओवर से बैटिंग करेंगे, तो यहाँ पे भी
इनकी ठीक ठाक बैटिंग हो रही टीम के केस में। ग्राउंड पे दोस्तों दो मैच है फिलहाल, 32 रन है और किस की ओर से बैटिंग करेंगे, तो कहीं ना कहीं यार मार्कस स्टैनिस एक अच्छी पिक हो सकते हैं इस मैच के लिए। दोस्तों जैसे कि अभी बता दूं, मार्कस स्टैनिस एंड निकोलस पुनर को जिस टीम से आप ड्रॉप कर रहे हैं तो फिर मार्कस स्टैनिस भी आपके टीम में होना चाहिए, कुणाल पांड्या अभी, कैली मेस और केल राहुल, ये चार प्लेयर दोस्तों आप इस टीम से लेकर जा सकते हैं जिसमें आप निकोलस पुनर को ड्रॉप करने के लिए सोच रहे हो, बट वो भी बैट्समैन अच्छी बैटिंग करके आ रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ उस प्लेयर को जो कि ड्रॉप करने के लिए। बाकी बात करते हैं यहाँ पे बॉलिंग सेक्शन से जो प्लेयर मिल रहे हैं हमें दोनों तरफ से, किस गेंद प्लेयर को अपने टीम में जो हम लेकर के जा सकते हैं। बात करें यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स की तरफ से जो मिल रहे हैं प्लेयर ट्रेंट बोल्ट, देखिए अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे कंसिस्टेंट बॉलिंग हुई है इनके द्वारा एंड विकेट दोस्तों इनको मिल रही है जो है। एंड अगर बात करें लखनऊ के गेस में दो मैच हैं जिसमें कि चार विकेट दोस्तों इनको मिल रही है, और आपको पता है कहाँ ये बॉलिंग कराएंगे ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। इस ग्राउंड में दोस्तों इनका एक मैच है जिसमें कि एक विकेट मिल रही है, तो फिर से दोस्तों इनको टीम में आप लेकर जा सकते हैं। एडम जंपा की बात करते गए तो देखिए एक मैच एज ए इंपैक्ट प्लेयर इन्होंने खेला, बाकी यहाँ पे प्लेइंग में शामिल हुए और दोस्तों इनको एक विकेट मिली। स्पिनर के लिए कुछ खास एडवांटेज नहीं है बट फिर दोस्तों एक अच्छे प्लेयर है, बट दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखें रिसेंट फॉर्म यहाँ पे हाईएस्ट विकेट भी दोस्तों चार विकेट लेकर के आ रहे हैं। एंड हेडकॉर्ड्स मेन कॉर्ड्स दोस्तों एक भी मैच नहीं, तो पहली टीम से जहाँ तक बात करते हैं दोस्तों ड्रॉप भी आप कर सकते हैं, क्योंकि संदीप शर्मा और यजुवेंद्र चहल भी दोस्तों स्पिनर है, तो यार इन दोनों में से किसी का सिलेक्शन कर सकते हैं क्योंकि बैक टू बैक दोस्तों ये भी प्लेयर जो है विकेट लेकर के आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम एडम जंपा को जहाँ तक ड्रॉप करने के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, और संदीप शर्मा की बात करते हैं रिसेंट अच्छी बॉलिंग करके आ रहे हैं, अच्छी विकेट भी मिल रही है। ठीक है, हेडकॉर्ड्स की बात करते हैं लखनऊ के, इसमें एक मैच है जिसमें एक विकेट है, इस ग्राउंड पर दोस्तों एक मैच है जिसमें एक विकेट है, तो टीम में दोस्तों कहीं ना कहीं संदीप शर्मा ट्रेंट बोल्ट एक अच्छी पिक हो सकते हैं। उसके बाद प्लेयर बैटल देखेंगे उससे भी थोड़ा सा टीम को मैनेज करेंगे। दोस्तों बात करते हैं युजवेंद्र चहल जो कि आपको पता है फिलहाल इस बीच के स्पेल लेकर के आते हैं 18 से 19 वा, उसके बाद यहाँ पे 15 से 16 इस प्रकार से, बाकी रिसेंट कंसिस्टेंट बॉलिंग करके आ रहे हैं, अच्छी विकेट मिली है। और लखनऊ के गेंस में दोस्तों बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, दो मैच में 5 विकेट है, इस ग्राउंड पर 2 मैच में दोस्तों 2 विकेट है। देखिए अगर जोस बटलर मैंने कहा क्रिस के लेना चाहते कैप्टन का तो ले सकते हैं, उनका कॉम्बिनेशन दोस्तों आप युजवेंद्र चहल के साथ कर सकते हैं क्योंकि कॉम्बिनेशन दोस्तों बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि पिछले सीजन दोस्तों आपको पता है मैंने GL विन करी थी इसी कॉम्बिनेशन से, जो कि मैंने आपको प्रूफ भी दिया था, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर करी थी आपके टेलीग्राम चैनल पर एंड आपको पता हुआ। ठीक है, एंड बात करें यहाँ पे अब जो कि लखनऊ की तरफ से जो बॉलिंग सिस्टम मिल रहा है, मार्कवुड रिसेंट अगर हम देखें तो अच्छी बॉलिंग कराकर हर मैच में इनको विकेट मिले। हेडकॉर्ड्स वेन रिकॉर्ड दोस्तों एक भी मैच नहीं है। टीम में लेकर जाने की बात करेंगे तो टीम में लेकर चलना है क्योंकि पेसर है। आवेश खान रिसेंट देखिए अगर हम देख रहे हैं 2 मैच लगातार फ्लॉप हुए हैं, आउट ऑफ फॉर्म हो गए। बाकी राजस्थान के 5 मैच दोस्तों 6 विकेट हैं, वे ने दोस्तों एक भी मैच नहीं है। और स्टार्टिंग के इस पर लेकर के आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर जॉर्ज बटलर फिलहाल थोड़ा सा रिस्की अगर होंगे गए प्लेयर बैटल देखेंगे, फिर यहाँ पे आवेश खान को भी हम पिक कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रंप भी हो सकते हैं जिस ऑप्शन का हेडकॉर्ड्स है। रवि बिश्नोई रिसेंट अगर हम देख रहे हैं तो 1 मैच फ्लॉप हुए हैं, बाकी अच्छी विकेट दोस्तों इनको भी मिल रही है। एंड देखते हैं राजस्थान के गेस में 4 मैच दोस्तों 2 विकेट है, इस ग्राउंड पे एक भी विकेट नहीं है दोस्तों क्योंकि मैच ही नहीं है। टीम में रखने की बात करें तो कहीं ना कहीं दोस्तों रवि बिश्नोई को भी हम यहाँ पे सभी टीम में लेकर के नहीं जाएंगे, और खास करके दोस्तों पहली टीम से जहाँ तक मैं ड्रॉप भी कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, एंड उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे यदुवीर सिंह की, तो रिसेंट देखिए जो ये मैच करके आ रहे हैं IPL के मेरे दोस्तों, इन्होंने जो पहला डेब्यू मैच खेला जिसमें 2 विकेट हैं, एंड उसके बाद यहाँ पे जो डोमेस्टिक टी20 मैचेस खेला गया तो उसमें भी इनको विकेट मिले, तो कहीं ना कंसिस्टेंट दोस्तों ये भी है। दोस्तों टीम में रखना कि नहीं रखना, तो यार मुझे जहाँ तक लग रहा है जो कि वाई सिंह अभी बहुत कम लोगों की टीम में रहेगा, तो स्मॉल के लिए अच्छी पिक हो सकते हैं। बाकी मार्कवुड, युजवेंद्र चहल, ट्रेंट बोल्ट या तो संदीप शर्मा या तो रवि बिश्नोई दोस्तों, एंड उससे पहले आवेश खान के बारे में जानेंगे, प्लेयर बैटल देखेंगे एंड फिर दोस्तों टीम को जो है मैनेज करेंगे। एंड अगेन बात करते हैं यहाँ पे प्लेयर बैटल के बारे में, गैस जो आज का प्लेयर बैटल रहा है, देखिए जोस बटलर को मार्कस स्टैनिस ने 122 गेंदों में 147 रन दिए, 4 बारी आउट किया है, और मार्कस स्टैनिस दोस्तों सैंजू सैमसन को 12 गेंदों में 18 रन दिए, 2 बारी आउट किया है। रवि बिश्नोई ने सिमरन हेटमैन को 227 गेंदों में 22 रन दिए, 2 बारी आउट किया। एडम जंपर ने दोस्तों केएल राहुल को सबसे ज्यादा बारी आउट किया, 146 गेंदों में 136 रन दिए, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मतलब डिफरेंट होते हैं केएल राहुल, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है एडम जंपर के केस में बैटिंग करना, इनको 7 बारी आउट किया मेरे भाई। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन आपको करना है। कैली मेस में दोस्तों टेरेन बोल्ट ने फिलहाल 39 गेंदों में 25 रन दिए, 2 बारी आउट किया। युजवेंद्र चहल ने दीपक हुड्डा को 24 गेंदों में 33 रन दिए, 2 बारी आउट किया, और युजवेंद्र चहल ने दोस्तों कुणाल पांड्या को भी 39 गेंदों में 53 रन दिए, 2 बारी आउट किया। युजवेंद्र चहल ने मार्कस स्टैनिस को भी 68 गेंदों में 56 रन दिए, 3 बारी आउट किया। ट्रेंट बोल्ट ने दोस्तों निकोलस पुनर को 33 गेंदों में 18 रन दिए, 4 बार आउट किया गया। तो ये देखिए हमारा जो ट्रंप रहने वाला है मिल गया गया, मैंने कहा निकोलस पुनर जो कि रिकॉर्ड खराब है कहा ना गाइस आपको, ट्रेंट बोल्ट देखिए स्टार्टिंग को लेकर के आते हैं और निकोलस पुनर भी आपको वहीं स्टार्टिंग में मिल जाते हैं अगर विकेट गिरती गई। ठीक है, तो समझ सकते हैं, एंड उसके हिसाब से गाइस क्या करना है आपको, फिर ट्रेंट बोल्ट को रखना है तो निकोलस पुनर को कहीं ना कहीं आप ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो मैचअप होगा गाइस सामने आमने होगा, ये आप समझिएगा। ठीक है, एंड बात करते हैं जो मेरी एक टीम रहेगी उसको मैं दिखा देता हूँ किस प्रकार से हमें बनानी है, एंड जो और अपडेट रहेगा दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे, तो फटाफट मेरे भाई आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको बैक टू बैक हर IPL मैच में क्लीनशिप करनी है तो।
दोस्तों अगर आप रियल 11 एप्लीकेशन पर अपना ओपिनियन और पोल देकर के गाइस लाखों कमाना चाहते हैं तो फिर आप यहां पे कर सकते हैं। रियल 11 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद यहां पे एक मैच सेलेक्ट करना है, राजस्थान वर्सेस लखनऊ, जो कि मैंने सेलेक्ट कर लिया गाइस। अब यहां पे आपको सबसे फर्स्ट पे ओपिनियन का ऑप्शन मिलेगा जो कि न्यू फीचर्स है रियल 11 एप्लीकेशन का, इस पर क्लिक करना गाइस। क्लिक करने के बाद यहां पे देखिए ट्रेडिंग, पोल, ओपिनियन, जो भी दोस्तों आपको पसंद है वो आप क्लिक करिए। जैसे कि मुझे लग रहा है यहां पे ओपिनियन ठीक है, तो यहां पे देखिए आपसे पूछा जाए हाउ मेनी रन विल लखनऊ स्कोर इन द पर्टिकुलर फर्स्ट ओवर, मतलब फर्स्ट ओवर दोस्तों यहां पे जो कि लखनऊ टीम है कितना स्कोर बना लेगी गाइस। तो अपना आंसर आप यहां पे टाइप कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से टाइप करिए एंड उसके बाद करना क्या है यहां पे बुक का स्लॉट जो भी आपको लग रहा है गाइस। एंड यहां पे यूजर्स दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पे कितने यूजर रहने, कितने स्लॉट रहने वाले गाइस, इस पे क्लिक करिए। अब अपने हिसाब से स्लॉट यहां पे देखिए दो यूजर्स हैं और उसके बाद क्या करना है यहां पे स्लॉट बुक कर देना है भाई। गाइस मेरे पहली टीम का सिलेक्शन जो रहेगा इस प्रकार से रहेगा, जिसमें मैं निकोलस पुरन को ड्रॉप करके जा सकता हूं, जिसमें जोस पेटर, संजू सैमसन और ये टीम दोस्तों जब रहेगी मेरी, जब यहां पे सेकंड इनिंग राजस्थान चेस कर रही होगी दोस्तों, तब केएल राहुल, सिमरन हेटमैन, दीपक हुड्डा मेरी टीम में रहेंगे। और यहां पे जयसवाल को दोस्तों फर्स्ट टीम में ड्रॉप करूंगा, अदरवाइज सेकंड टीम में दोस्तों जगह बनाऊंगा, वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा। देखिए यहां पे अश्विन और कुणाल पंड्या कैली मेरे समय टीम में रहेंगे दोस्तों। अगर आपको लग रहा है माकस स्टैंड को पिक करने के लिए तो दोस्तों जब ये चेस करेंगे, जब यहां पर जाता मैं रखूंगा, बट यहां पे अभी जो हमारी टीम रहेगी राजस्थान अगर चेस करती है उसके अकॉर्डिंग बोल दिए जुवेन चहल और दोस्तों यहां पे जो है मार्क वुड और बाकी के प्लेयर्स दोस्तों हम जो बनाए संदीप शर्मा और रवि स्टोइन को कहां ट्राई करना है वो दोस्तों दूसरी टीम में, और जो वाई सिंह है, ठीक है दोस्तों, ये सारे कॉमेंट्स आपको टेलीग्राम चैनल मिलेंगे। बाकी अगर हम बात करें इस टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन की, दोस्तों मैं राजस्थान अगर चेस करते तो यहां पे मैं जोस बटर को ट्राई कर सकता हूं कैप्टन के लिए, और वाइस कैप्टन यहां पे मैं चहल को भी रख सकता हूं गाइस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी कॉम्बिनेशन आप दोस्तों ये वाला करिएगा, अच्छा आपको जो है प्रॉफिट हो सकता है, ये मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं इस टीम से ये कॉम्बिनेशन से दोस्तों कई बार मैंने विन किया है, इसलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी फाइनल टीम दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिल गए, तो आप लोग फटाफट जाइए ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड किया है। और दोस्तों रियल 11 को डाउनलोड नहीं किया तो मेरे भाई डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आप दोस्तों यहाँ पे लो कॉम्पिटिशन है और जीतना बहुत ही आसान है। चलिए मित्र, जय हिंद, जय भारत।